अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटे डिस्कस कर रहे हैं और उसमें भी वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास दो पॉइंट दिए हों और रेशो गिवन हो तो आप थर्ड पॉइंट निकाल सकें। इसी उसमें हमने हर क्वेश्चन की अलग वीडियो बनाई है तो आपके पास अलग अलग क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 की लैंग्वेज लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। आपसे कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर, क्वेश्चन नंबर 8 इन एक्सरसाइज 7.2, इफ़ ए एंड बी आर, ठीक है, ए गिवन है आपके पास आर -2 -2 एंड बी गिवन है हमारे पास बेटे 2 -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ चुका है, बोर्ड एग्ज़ाम में, स्कूल एग्ज़ाम में तो सारे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं अलग अलग स्कूल्स में, बट इन बोर्ड एग्ज़ाम्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ए पी इज़ 3/7 ए बी। तो आपसे कह रहा है फाइंड पी, ठीक है सर, पी लाई ऑन द सेगमेंट ए बी, ये हमसे कह रहा है। बता दिया उसने कि पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ये हमसे कह। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करिए है क्या भाई, हमारे पास क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, ये हमारे पास ए है दैट इज़ -2 -2, ये हमारे पास बी है दैट इज़ 2 -4 एंड दैट इज़ आवर पॉइंट पी। व्हाट इज़ गिवन, गिवन इज ए पी इज़ इक्वल्स टू 3/7 ए बी। मैं हमेशा ये कहता हूँ जो क्वेश्चन आपको गिवन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्पेशली, आप उसका एक फिगर ड्रॉ कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा हो क्या है। अब प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखो, हमारे पास क्या होगा, ए पी अपॉन ए बी अपॉन में आएगा, तो ये रेशो हो जाएगा 3/7। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट मेरा 3 है और ए बी ये पार्ट मेरा 7 है। ए पी अपॉन ए बी इज 3/7, दिस अपॉन दिस इज 3/7। हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, P के कोऑर्डिनेट मींस एक्स वाई, एक्स वाई हम निकाल सकते हैं अगर हमें कौन सा रेशो दिया हो, अगर हमें बेटे ये रेशो दिया हो, दिस रेशो दिस, बट ये नहीं दिया हमारे पास, हमारे पास रेशो दिया है दिस और दिस। तो हम क्या ये रेशो निकाल सकते हैं, इजीली लिख दीजिए, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये 3 है और ये 7 है तो फिर ये वाला पार्ट 4 हो जाएगा बेटे, तो आप सीधा सीधा सा लिख दीजिए, सो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू 3/4, बस इतना सा लिख दीजिए। अब क्योंकि आपके पास 3/4 आ गया, अब आप पी निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को फार्मूला आता होगा। तो पी क्या होगा, एम वन एक्स टू, इधर का रेशो लेते हैं इधर कोऑर्डिनेट लेते हैं, और जब हमें एक्स निकालना होता है तो सिर्फ हम एक्स को ही कंसीडर करते हैं, वाई को नहीं देखते हैं। इसे आप घटा भी दो थोड़ी देर के लिए तो ध्यान रखिए, ठीक है। तो 3 × 2 4 × -2, माइनस को ब्रैकेट में यूज़ किया कीजिए हमेशा, m1 + m2। अब मुझे y चाहिए तो यहाँ y होना चाहिए, क्या था मेरा y, -2 -2 एंड 2 -4। अब मुझे y चाहिए तो y को 3 × -4, अगेन माइनस के लिए ध्यान रखिए, 4 × -2 अपॉन 3 + 4, इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो सिंप्लीफाई करिए, क्या आ गया हमारे पास, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास क्या आ गया बेटे, पी इज 3 × 2 = 6 - 8, 4 × 2 = 8 - 8, तो 6 - 8 - 2 बाई 7, 3 × 4 = 12 - 8, ये भी माइनस में ये भी माइनस, -20 / 7, तो ये आपके पास आंसर आया। तो प्लीज़ इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए व्हाट इज़ द लैंग्वेज, लैंग्वेज पे बेस्ड जो आप यहाँ ड्राइव करें, और फिर जो हमें करना है, हमें जो फाइंड करना है, अगर रेशो गिवन होती है तो हम पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में रेशो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था 3:4, 3:7 दिया था, तो थोड़ा सा सोचना था कि अगर ये 3 है 7 है तो ये पार्ट 4 है, अगर आपने 3:7 पे इसको कैलकुलेट कर दिया तो आंसर गलत आता।
थैंक यू सो मच।